एक कप बेसन लिया है और इसमें अब हम डालेंगे ये आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और उससे आधा डालेंगे हम यहाँ पर हल्दी, आधा चम्मच ही हम यहाँ पर डालेंगे ये नमक। ये मसाले डालने के बाद हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, ये जो हमने इसमें मसाले डाले थे। और इसके बाद हम मैंने ये लिया है एक प्याज जिसको कि इस तरीके से काट लिया है, तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही मैंने ये थोड़ी सी जो ली है ये कसूरी मेथी ली है, इसको इस तरह से क्रश करके हाथ से हम इसमें डाल देंगे, इससे इसमें अच्छा सा फ्लेवर आएगा। इनको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको एक पतला घोल बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना और थिक भी इसको हमें नहीं रखना है। पानी को हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि एकदम ऐसा ना हो कि हमारे से पानी ज़्यादा डल जाए और फिर हमारा जो मिक्सचर है ये ज़्यादा पतला हो जाए और इसमें लम्स भी रह जाएँ, तो इसलिए पहले थोड़ा पानी डालकर ये जो लम्स हैं इनको हम अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें धीरे धीरे पानी डालते जाएंगे और अपने हिसाब से फिर देखेंगे कि हमारा बैटर कैसा होता है। ये देखिए अभी हमें इसे पानी की थोड़ी और ज़रूरत है क्योंकि ये टाइट है, थोड़ा और पानी डालते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है और बस हमें इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है। इसको मैं अब ढक देती हूँ 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख देती हूँ ताकि जो बेसन हमने इसमें मिलाया है वो अच्छे से फूल जाए। 15 मिनट हो गए हैं, देखिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये मिक्सचर था ये कैसा है। ये इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी है, हमें ऐसी ही चाहिए। अगर रखने के बाद आपका जो मिक्सचर है वो थोड़ा थिक हो जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी यहाँ पर ऐड करके इसको एक बार फिर से फेंट लें। तो आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने गैस पर पैन रख दिया था और इसमें एक चम्मच मैंने तेल डाल दिया है। गैस को हमें यहाँ पर रखना है तेज़ और उसके बाद हम जो है एक चम्मच इसमें से मिक्सचर लेकर धीरे से इसमें डालेंगे। ये ऐसे मैं एक चम्मच लेकर इसमें डाल रही हूँ और इसको ऐसे स्प्रेड कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा आपको पतला नहीं करना है, बस ऐसे ही आप कर देंगे आंच को थोड़ा कम ताकि ये धीरे धीरे से जो है पक जाए। ये एक साइड से हो गया है, इस पर हम हल्का सा तेल जो है और डालेंगे इस साइड और अब इसको देते हैं हम पलट। ये देखिए ये इधर से हो गया है टाइट, लेकिन अभी हमें इसको इधर से भी थोड़ा और सेकना है तो अलट पलट कर सेकेंगे। अभी हम पहले उस साइड से कर लेते हैं। ये चीला जो है ये हमारा हो गया है, इसको लेते हैं हम निकाल और इसके साथ ही अब हम दूसरा चीला इसी तरीके से तैयार करेंगे। गैस को हमने एक बार फिर से तेज़ कर दिया है तो तेज़ आंच पर ही हम इसमें डालेंगे फिर से ऑयल। ये पैन में मैंने फिर से यहाँ पर तेल डाल दिया है और इसी तरीके से अब हम इसमें फिर से एक चम्मच जो हमारा मिक्सचर है ये डालेंगे। इसको इसी तरीके से जैसे हम डोसा वगैरह फैलाते हैं ऐसे फैलाएंगे। आंच को कर देंगे फिर से कम धीरे धीरे इसको पकने के लिए। ये देखिए ऐसे कर दिया है। इस पर हल्का सा हमने इधर भी ऑयल डाल दिया है और अब इसको पलट देंगे। देखिए ये इस तरीके से इधर से हो गया है, दूसरी साइड से इसको सेकेंगे। कितने इजीली हमारे चीले जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। ये फिर से हम इसमें एक चम्मच डाल देंगे और इसको इस तरह से फैला देंगे। किनारों पर भी हमने हल्का सा जो तेल है वो डाल दिया है इस साइड भी और इसको भी पलट देते हैं।
ये ऐसा हमने कलर दिया है, ये देखिए इधर से सिक गए हैं और बस ऐसे ही हम इनको सेक लेंगे दोनों साइड से, ये हल्का हल्का सा ब्राउन हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो बेसन के चीले हैं ये बनकर तैयार हैं। बहुत ही हेल्दी बेसन का चीला है ये, और मैंने इसको हरी चटनी के साथ सर्व किया है। अगर आप लोगों को थोड़ा चटपटा पसंद हो तो आप इसको तीखी चटनी या बच्चों के लिए सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।